नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी टुडे न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि मई 2022 के महीने में आ चुकी है बंपर भर्तियां। जी हां दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है आप सभी अभ्यर्थियों के लिए क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मई 2022 की बंपर भर्तियों के बारे में। दोस्तों 1,40,000 पदों पर बंपर भर्तियों की सूचना जारी हो चुकी है जो कि सरकारी नौकरियां हैं, गवर्नमेंट जॉब है। दोस्तों अगर आप कक्षा 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास या ग्रेजुएट पास है, चाहे किसी भी विषय के अंतर्गत, अगर आप फिर भी बेरोजगार हैं, अगर आप चाहते हैं कि साल 2022 में आपको एक सरकारी नौकरी मिल जाए तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे मिलेगी आपको एक सरकारी नौकरी, वो भी इस साल 2022 के अंदर। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, संपूर्ण भर्तियों की जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। रोजाना इसी प्रकार नई भर्तियों की जानकारी के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मई 2022 की नई और बंपर भर्तियों के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं 1,40,000 पदों पर ये बंपर भर्ती की खुशखबरी आ चुकी है जो कि सरकारी नौकरियों की है, गवर्नमेंट जॉब की है। जी हां दोस्तों 1,40,000 पदों पर ये बंपर भर्ती है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से हम आपको भर्तियों की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों अगर आपकी उम्र है कम से कम 18 साल, यानी कि अगर आप 18 साल के हो चुके हैं तो आप सभी तमाम अभ्यर्थी जो है इन भर्तियों के लिए आवेदन करने योग्य हैं, आवेदन जरूर कीजिएगा। जी हां दोस्तों अगर आपकी उम्र है कम से कम 18 और अधिकतम है 50 वर्ष तो आप सभी अभ्यर्थी जो हैं इन तमाम भर्तियों के लिए आवेदन करने योग्य हैं। वहीं दोस्तों ज्यादातर जो भर्तियां निकाली जा रही है उनके लिए आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होगी, यानी कि ज्यादातर जो भर्तियां हैं बिना परीक्षा के बिल्कुल सीधी भर्ती है। केवल आपको फॉर्म भरना है, आपको एक सरकारी नौकरी मिल सकती है। संपूर्ण भारत से सभी अभ्यर्थी जो है, महिला और पुरुष अभ्यर्थी जो है आवेदन कर सकते हैं, यानी कि भारत के किसी भी राज्य या जिले में आप रहते हैं तो आप सभी लड़के और लड़कियां, महिला और पुरुष अभ्यर्थी जो है आवेदन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अन्य सभी जानकारी के लिए सीधा आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं। तो अधिक जानकारी और आवेदन करने का लिंक मिलेगा आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर sarkaritodaynews.com पर। दोस्तों आज ही हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, जानकारी ले और जल्दी से अप्लाई करें। लेकिन उससे पहले वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आगे बढ़ते हैं, सीधा आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं और एक एक करके सरकारी डिपार्टमेंटों की तमाम भर्तियों की जानकारी आपको देते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे आज की नई भर्ती के बारे में जो कि नंबर वन भर्ती है। जी हां दोस्तों हिंदुस्तान पेट्रोलियम की तरफ से आ चुकी है नई भर्ती। जी हां दोस्तों हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL की तरफ से जो भर्ती निकाली गई है टेक्नीशियन के पदों पर नई भर्ती है। यहां पर आप देख सकते हैं 186 पद यहां पर जारी कर दिए गए हैं जिसमें आप देख सकते हैं टेक्नीशियन से लेकर के मेंटेनेंस और लैब असिस्टेंट से लेकर के जूनियर फायर एंड सेफ्टी इंस्पेक्टर तक की भर्ती यहां पर निकाली गई है। कुल मिलाकर 186 पद जारी किए गए हैं जिनके लिए केवल आपको दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करना होगा। संपूर्ण भारत से सभी महिला और पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। वहीं चयन प्रक्रिया में आपका CBD बेस्ड एग्जाम होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। वहीं सैलरी आपको 26,000 से 76,000 रुपए प्रति माह मिलेगी। दोस्तों उम्र सीमा की बात करते हैं तो 18 से 25 साल तक की यहां पर रखी गई है उम्र सीमा। आई सीमा में छूट है सरकार के नियमानुसार और आवेदन शुल्क जो है जनरल OBC के लिए ₹590 है, SC ST PW के लिए बिल्कुल फ्री है। पेमेंट जो है अदर अभ्यर्थियों को ऑनलाइन करना होगा किसी भी माध्यम से। वहीं योग्यता की बात करते हैं तो अगर आप डिप्लोमा डिग्री या PG पास हैं तो आप सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जो है 24 अप्रैल से 21 मई तक चलेंगे, तो 21 मई 2022 इसकी अंतिम तिथि है। ये रहा लिंक अप्लाई करने का ऑनलाइन का और ये रहा लिंक नोटिफिकेशन का। दोस्तों आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर की भर्ती की ओर जो कि है BSF की तरफ से, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से। जी हां दोस्तों यहां पर इंस्पेक्टर के पद जारी किए गए हैं, सब इंस्पेक्टर के पद जारी किए गए हैं, जूनियर इंजीनियर के पद जारी किए गए हैं। कुल मिलाकर 90 पदों पर भर्ती की सूचना जारी की गई है जिनके लिए केवल आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। संपूर्ण भारत से तमाम अभ्यर्थी जो है आवेदन कर सकते हैं, महिला और पुरुष। सैलरी आपको 35,400 से 1,42,400 रुपए प्रति माह सैलरी मिलेगी। वहीं चयन प्रक्रिया एज पर रूल्स रहेगी। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया की है। उम्र सीमा जो है कम से कम 18 है, अधिकतम जो है 30 साल है। आई सीमा में छूट है सरकार के नियमानुसार। वहीं दोस्तों एप्लीकेशन फीस जो यहां पर रखी गई है जनरल OBC के लिए ₹100 है, SC ST के लिए फ्री है और पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा। योग्यता की बात करते हैं तो अगर आप डिप्लोमा या डिग्री पास हैं रिलेवेंट डिसिप्लिन में तो आप सभी जो है आवेदन कर सकते हैं। आवेदन इसके शुरू हो चुके हैं 16 अप्रैल से, 30 मई 2022 इसकी लास्ट डेट है। ये रहा लिंक अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ।
वहीं दोस्तों आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर की भर्ती की ओर, जो कि निकाली जा रही है बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भर्ती निकाली गई है। तो बैंक ऑफ इंडिया BOI की तरफ से भर्ती की सूचना जारी की गई है। पदों की बात करते हैं तो यहां पर इकोनॉमिक्स के पद हैं, स्टेशियन के पद हैं, रिस्क मैनेजर के पद हैं, क्रेडिट एनालिस्ट के पद हैं, क्रेडिट ऑफिसर के पद हैं, काफी सारे पद हैं। ऑफिसर्स के अलावा मैनेजर के पद भी यहां पर दिए गए हैं। कुल मिला के 696 पद जारी किए गए हैं, लगभग 700 पद जारी किए गए हैं। अप्लाई केवल आपको ऑनलाइन करना होगा। जॉब लोकेशन जो है ऑल ओवर इंडिया की रहेगी और संपूर्ण भारत से सभी अभ्यर्थी जो है महिला और पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। बैंक की जॉब है और चयन प्रक्रिया में आप देख सकते हैं आपका ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू भी लिया जा सकता है। तो इन तीनों में से एक आपका चयन प्रक्रिया में एग्जाम लिया जा सकता है, ठीक है। वहीं सैलरी आपको 48,170 से लगभग 70,000 रुपए प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। वहीं उम्र सीमा की बात करते हैं तो यहां पर 28 से 35 साल तक की उम्र के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। वहीं दोस्तों ICU में छूट भी है सरकार के नियम अनुसार रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। वहीं आवेदन शुल्क जो है जनरल ओबीसी के लिए 850 है, SC ST के लिए 175 है, पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा। योग्यता की बात करते हैं तो अगर आप ग्रेजुएट पास हैं, पोस्ट ग्रेजुएट पास हैं, CA MCA पास हैं, तो आप सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जो है इसकी 26 अप्रैल से 10 मई तक चलेंगे, 10 मई 2022 इसकी लास्ट डेट है। ये रहा लिंक अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ। वहीं दोस्तों एक और नई भर्ती की सूचना जारी हो चुकी है जो कि आसाम राइफल की तरफ से है। जी हाँ दोस्तों, आसाम राइफल की तरफ से टेक्निकल और ट्रेड्समैन के पदों पर नई भर्ती की सूचना जारी की गई है। कुल पदों की संख्या 1380 है, ठीक है, 1380 पदों पर ये भर्ती की सूचना जारी की गई है, जिनके लिए केवल आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। संपूर्ण भारत से सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। वहीं चयन प्रक्रिया में आप देख सकते हैं आप सबसे पहले आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, PMT होगा, फिर इसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, PET होगा, उसके बाद आपका लिखित परीक्षा होगी, स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद फाइनली आपके मेडिकल टेस्ट लिए जाएंगे। वहीं सैलरी आपको इस पर रूल्स मिलेगी और उम्र सीमा जो है कम से कम 18 है, अधिकतम जो है 25 साल है। ICU में छूट है सरकार के नियम अनुसार। और आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो ग्रुप बी के लिए 200 रुपए रहेगी और ग्रुप सी के लिए 100 रुपए एप्लीकेशन फीस रहेगी, पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा। वहीं योग्यता की बात करते हैं तो कक्षा 10वीं से कक्षा 12वीं और डिग्री पास सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, यानी कि इस भर्ती के लिए 10वीं कक्षा से 12वीं और ग्रेजुएट पास सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसके आवेदन जो है 30 अप्रैल से लेकर के मई तक आवेदन चलेंगे। ये रहा लिंक अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ। वहीं दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और नई भर्ती की जो निकाली जा रही है उत्तर प्रदेश सबोर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आई नई भर्ती की। जी हां दोस्तों, यहां पर जो पद जारी किए गए हैं सीनियर क्लास असिस्टेंट के पद है और LC असिस्टेंट के पद है, यानी कि लोअर क्लास असिस्टेंट के पद है, और सप्लाई इंस्पेक्टर के पद भी जारी किए गए हैं। कुल पदों की संख्या 76 है। अप्लाई केवल आपको ऑनलाइन करना होगा। उत्तर प्रदेश की जॉब लोकेशन है। सैलरी आपको 9,300 से 1,12,400 रुपए प्रति मास सैलरी मिलेगी। उम्र सीमा जो है कम से कम 21 है, अधिकतम जो है 40 साल है। ICU में छूट है सरकार के नियम अनुसार। आवेदन शुल्क जो है जनरल ओबीसी के लिए 25 रुपए है, SC ST के लिए 25 है, PH के लिए भी 25 है, पेमेंट से केवल आपको ऑनलाइन करना होगा, चाहे तो आप SBI के ई चलन के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में आपकी लिखित परीक्षा होगी। योग्यता की बात करते हैं तो अगर आप बैचलर डिग्री पास है किसी भी विषय के अंतर्गत तो आप सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जो है 12 मई तक चलेंगे, 22 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं, 12 मई तक आवेदन जरूर कीजिएगा। ये रहा लिंक अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ। वहीं दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं PNB बैंक की नई भर्ती के बारे में। जी हां दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से आ चुकी है नई भर्ती। पदों की बात करते हैं तो मैनेजर और सीनियर मैनेजर के पद जारी किए गए हैं। कुल पदों की संख्या 145 है। अप्लाई केवल आपको ऑनलाइन करना होगा। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। सैलरी आप दे सकते हैं पद अनुसार आपको दी जाएगी। मैनेजर के लिए 48,000 से लगभग 70,000 रुपए प्रतिमा सैलरी मिलेगी। वहीं सीनियर मैनेजर के लिए 63,000 से 78,000 रुपए प्रतिमा आपको सैलरी मिलेगी। उम्र सीमा जो है कम से कम 25 है, अधिकतम जो है 37 साल है। आवेदन शुल्क जो है जनरल ओबीसी के लिए 850 है, SC ST के लिए 50 है, पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा। योग्यता की बात करते हैं तो अगर आप ग्रेजुएट पास हैं किसी भी विषय के अंतर्गत तो आप सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जो है 24 अप्रैल से 7 मई तक चलेंगे। यह रहा लिंक अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ। वहीं दोस्तों पोस्ट ऑफिस की तरफ से भी आ चुकी है नई भर्ती। जैसा कि आप देख सकते हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से आ चुकी है नई रिक्रूटमेंट। जी हां दोस्तों, मेल मोटर सर्विसेज डिपार्टमेंट की तरफ से सूचना जारी की गई है। पदों की बात करते हैं तो स्किल्ड आर्टिशन के पद है और स्टाफ कार ड्राइवर के पद है, जिनके लिए केवल आपको दोस्तों ऑफलाइन आवेदन करना होगा। चयन प्रक्रिया में आपका ट्रेड टेस्ट और ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा, आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होगी। सैलरी आपको 19,900 से 63,200 रुपए प्रतिमा सैलरी मिलेगी। उम्र सीमा जो है कम से कम 18 है, अधिकतम जो है 56 साल है। आवेदन शुल्क जो है सभी अभ्यर्थियों के लिए बिल्कुल फ्री है। योग्यता की बात करते हैं तो स्किल्ड आर्टिशन के लिए 8वीं पास है और स्टाफ कार ड्राइवर के लिए 10वीं कक्षा पास है। और दोस्तों इसके आवेदन जो है आप देख सकते हैं यहां पर स्किल्ड आर्टिशन के लिए 9 मई है और स्टाफ कार ड्राइवर के लिए 7 मई है। आपको इंटरव्यू के लिए इसी डेट पर जाना
होगा। ठीक है, यहां पर आपको नोटिफिकेशन के लिंक दिए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और नई भर्ती की जो निकाली जा रही है दिल्ली सबोर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से, DSSB की तरफ से। दोस्तों यहां पर आप देखते हैं 168 पद जारी किए गए हैं। असिस्टेंट के पद हैं, शिफ्ट इंचार्ज के हैं, मैनेजर के हैं और प्रोटेक्शन ऑफिसर के हैं, अन्य पद हैं। ड्राइवर के अलावा यहां पर सुपरवाइजर के पद भी दिए गए हैं। तो काफी सारे पदों पर यह भर्ती की सूचना जारी की गई है, जिनके लिए संपूर्ण भारत से सभी महिला और पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल आपको ऑनलाइन करना होगा। वहीं दोस्तों चयन प्रक्रिया में आपकी सबसे पहले लिखित परीक्षा, उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। सैलरी आपको 9,300 से 34,800 रुपए प्रति माह सैलरी मिलेगी, प्लस आपको ग्रेड पे दिया जाएगा। उम्र सीमा जो है कम से कम 18 है, अधिकतम जो है 30 साल है। आयु सीमा में छूट है सरकार के नियमानुसार। और आवेदन शुल्क जो है जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपए है, SC ST फीमेल और PWD के लिए बिल्कुल फ्री है। पेमेंट जो है जनरल ओबीसी को ऑनलाइन करना होगा किसी भी माध्यम से। योग्यता की बात करते हैं तो कक्षा 10वीं पास से लेकर के कक्षा 12वीं पास और ग्रेजुएट पास सभी योग्यताधारी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जो है केवल 9 मई तक चलेंगे। ये रहा लिंक अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ। वहीं दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शिक्षा विभाग की बंपर भर्ती के बारे में। जी हां दोस्तों, आप देख सकते हैं राजस्थान रीट 2022 के आवेदन मांगे जा रहे हैं ऑनलाइन। तो दोस्तों यहां पर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान बोर्ड की तरफ से आ चुकी है शिक्षकों की बंपर भर्ती। 46,500 से अधिक पद यहां पर जारी हो चुके हैं। तो इस साल 2022 की जो है शिक्षा विभाग की तरफ से बंपर भर्ती है। रीट 2020-22 के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं लेवल 1 और लेवल 2 के लिए। ठीक है, अप्लाई केवल आपको ऑनलाइन करना होगा। आवेदन जो है आप देख सकते हैं 10 अप्रैल से 13 मई तक चलेंगे और आपके एग्जाम जो है 23 से 24 जुलाई 2022 में होंगे। ठीक है, चयन प्रक्रिया में आपकी लिखित परीक्षा, उसके बाद आपके इंटरव्यू होंगे। उम्र सीमा जो है कम से कम 18 है, अधिकतम जो है 40 साल है। आयु सीमा में छूट है सरकार के नियमानुसार। वहीं दोस्तों आवेदन शुल्क जो है आप देख सकते हैं सिंगल पेपर के लिए 550 है, एग्जाम फीस अलग से है, और यहां पर बोथ पेपर के लिए 750 है। बोथ पेपर के लिए आपकी एग्जाम फीस रहेगी। पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा। राजस्थान की जॉब लोकेशन है। उम्र सीमा यहां पर योग्यता की बात करेंगे तो यहां पर 12वीं कक्षा से ग्रेजुएट पास और बीएड पास सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ये रहे दोनों के लिंक अप्लाई करने के और ये रहा लिंक नोटिफिकेशन का। तो दोस्तों ये थी आज की बंपर भर्तियों की जानकारी। मैं उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अधिक जानकारी के लिए आज ही हमारी वेबसाइट पर जाएं। इन भर्तियों के अलावा और भी बंपर भर्तियां आई हैं, उनकी जानकारी लेकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।